ये देखिए पुराना टायर को भी फिट कर दिए, अंदर से हो नहीं रहा था, ये रहा देखिए उड़ा हुआ टायर ऐसा। दोस्तों गाड़ी डीजल डाल के यहाँ से निकल चुके हैं, टायर का कंडीशन अभी ठीक है, तो टायर लेके हम थोड़ा ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि टायर हमारा सर बढ़िया बढ़िया टायर जो है हमारा सर उड़ जा रहा है। देखिए दोस्तों दो दिन के पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, देखिए सीधा हेट हो गया था, इसी को सुने थे ब्रेक ना पकड़ने के कारण गाड़ी सीधा हेट हो चुका था। देखिए हमको घूमते मिल गया है, यहीं पे कुछ ले लेते हैं चिप्स खाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नागो ब्लॉग ब्रांड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछला ब्लॉग में देखे थे दोस्तों कि हम लोड करके अपना गांव आ चुके हैं, तो अभी दोस्तों सुबह का भी 7:30 बजे है और अभी आए थे डैम तरफ घूमने के लिए, घूमने फ्रेश होने के लिए, तो अपना बैग उठाएँ और आ गए अपना घूमने के लिए। देखिए इधर सुबह का भी मौसम भी बहुत बढ़िया है और बारिश हुआ था कल रात को, तो और बढ़िया सुहाना लग रहा है। ये देखिए एकदम खिलखिलाता सब है, आज सूर्य दादा आए तो पूरा खिलखिला के उगा हुआ है। ये देखिए इससे हम तो आँख भी नहीं मिला पा रहे हैं सूर्य दादा से। जाते हैं दोस्तों, अभी अगर हमको टायर भी लगाना है तो देखते हैं कहीं अगर टायर भी व्यवस्था करना पड़ेगा, और सावन ख़त्म हो गया, हम दाढ़ी बहुत दिनों से बनाए नहीं तो हमको दाढ़ी भी बनाना है। बैग लेके दोस्तों निकल गए हैं होटल के लिए, काहे कि भैया को ड्यूटी जाना था तो सुबह सुबह, तो उसने टायर की व्यवस्था करने के लिए चला गया है, चले टायर लगा देंगे वो अपना ड्यूटी पर चले जाएंगे। होटल पर पहुँच गए दोस्तों और चंदन ने सुबह सुबह टायर को लगा दिया है, तो ये जल्दी उठ गया था, अभी पुराना टायर वहाँ पे फिट कर रहा है और नया वाला टायर है जो इसे अंदर लगा दिया है। देखिए एकदम देखिए नया वाला टायर है जो देखिए अंदर लगा दिया है, अरे तो पहले से लगाए थे वहाँ झांसी में से टायर है, ये लगा दिया है अभी दूसरे से भैया ला के दे रहे थे और ड्यूटी पर चले गए, तो चंदन लगा दिया है टायर को, टायर हमारा लग गया, इधर भी टायर ठीक है इधर भी टायर है, अब लिफ्ट में फिर टायर हम डालने जा रहे हैं, लिफ्ट में डाल के और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ये देखिए पुराना टायर को भी फिट कर दिए हैं, अंदर से हो नहीं रहा था, ये रहा देखिए उड़ा हुआ टायर ऐसा उड़ा है जैसे लग रहा है कि कोई चीज से मारा हुआ है, देखिए टायर टूट गया। अच्छा दोस्तों हमारा टायर तो लग चुका है, अभी जा रहे हैं मुरम और बाल कटाने के लिए, बाल कटा लेंगे उसके बाद नहा धो के खाना पीना खा के हम ट्रक में वापस निकल जाएंगे, ऐसा जल्दी निकलेंगे क्योंकि देखा था हमको बहुत ज्यादा टाइम लगे था, उसमें हमारा गाड़ी बहुत ज्यादा नुकसान में आ गया था, इस बार हम टाइम में टूटेंगे और बहुत जल्दी निकलेंगे। 3:12 बज गया और फाइनली देख लीजिए हम होटल पहुंच गए हैं, नहा धो के खाना भी खा लिए हैं और बाल कटा लिए हैं, बाल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो अभी होटल पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए प्रेशर बनाने के लिए, तो प्रेशर बना के यहाँ से सीधा निकले हैं। ये रहा हमारा गाड़ी, रात को यहीं पर लगा के गए थे। दिन का 1 बज गया दोस्तों और अभी हम चौपारण से पीछे हैं, डीजल ले रहे थे BHP पंप में, यहाँ पे भी डीजल लिए हैं, यहाँ 7,000 के डीजल अभी हम लिए हैं, यहाँ से हमारा डीजल जो लेना है स्टार्ट हो चुका है जूनागढ़ तक, तो आप लोग देखते हैं कि कितना डीजल खाता है सो, ऐसे तो हम कंटिन्यू करते हैं लेकिन इस बार इससे ही कंटिन्यू कर लेंगे कितना डीजल होगा। अभी 7,000 डीजल ले चुके हैं और यहाँ भी यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों गाड़ी डीजल डाल के यहाँ से निकल चुके हैं, टायर का कंडीशन अभी ठीक है, तो टायर लेके हम थोड़ा ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि टायर हमारा सर बढ़िया बढ़िया टायर जो है हमारा सर उड़ जा रहा है, और ऐसे तो पहले टायर तो थोड़ा ज्यादा घिस भी जाता था, मतलब समझ लीजिए कि 20% 25% भी बचता था उसमें गोटी, वो भी चलता था, अभी 50% 60% गोटी होते हुए भी उड़ जा रहा है हमारा टायर, तो वो टायर तो हमारा तो चला गया, वो तो हमारा आने वाला है, उसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन इस टायर को नहीं, इसमें पीच लगा था, पीच लगा हुआ था वो नहीं आता है, इसमें कंप्लेंट नहीं होता उसमें। दोस्तों अभी पहुंच गए चौपारण घाटी, चौपारण घाटी भी अभी सावधानी से ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि चौपारण घाटी भी जो है उतना खतरनाक नहीं, लेकिन सोचिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हर जब भी जाएगा तो एक एक्सीडेंट मिलेगा, दो दिन के पहले भी पता चला था वो कि चौपारण घाटी में एक्सीडेंट हुआ था, तो इस घाटी को थोड़ा आराम से ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शराब पी के ड्राइवर कोई कुछ करके डायरेक्ट भूल जाता है, तो थोड़ा बहुत और खास करके टेलर में थोड़ा ब्रेक जो है इसे कम पकड़ता है,
उसमें थोड़ा आराम से ढूंढना पड़ता है, लेकिन कोई दूसरे गलती कारण भी हो जाता है। अभी चपान गाड़ी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं अगर भगवान करे ना इस तरह एक भी एक्सीडेंट ना मिले। देखिए दोस्तों, दो दिन के पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, देखिए सीधा हेट हो गया था, इसी को सुने थे, ब्रेक ना पकड़ने के कारण गाड़ी सीधा हेट हो चुका था। चपान गाड़ी में अक्सर तो ये सब तो मिलना ही मिलना। और थोड़ा टायर को ठंडा होने देते हैं, क्या कि अभी हल्का मौसम किया हुआ गर्मी वाला है, क्या हल्का पानी नहीं मारा था तो फिर इतना दिक्कत नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार टायर चेक कर लेते हैं तो कौन सा गर्म है। हल्का हल्का गर्म है, उतना नहीं गर्म। ये टायर, ये वाला हल्का गर्म है, इसका रिम भी गर्म है। और जो नया टायर लगाए हैं उसको देख लेते हैं उसको उसका क्या हाल है। इधर देखिए, इस बार देखिए ये टायर जो है सिंगल जो शाम था उस समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। और ये रहा हमारा नया टायर, नया टायर है, ठीक है, ये भी गर्म है, ये तो ज़्यादा गर्म हो गया, ये नया नया है ना। दोस्तों यहाँ पे झारखंड बॉर्डर मतलब प्रवेश कर ख़त्म कर चुके हैं, बिहार में एंट्री किए हैं। ये रास्ता जो हुआ हुआ है, इधर हम 2 महीना काम किए हैं मशीन में, जो मशीन होता है मिट्टी कोड़ने वाला, तालाब वाला बनाने वाला, तो अभी इस तरह हम 1-2 महीना काम किए हैं, मतलब रहे थे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में हम कुछ करने का नहीं था, गाड़ी नहीं चल रहा था, तो मशीन चालू हुआ था तो यहीं पे गए थे और 2 महीना यहाँ पे रहे थे। यहाँ भी तालाब बनाया था और आगे जगह था, उस रात में था ऑपरेटर, हम तो अभी उस समय हेल्पर ही थे, अभी तो हम 1 महीना रहे थे, थोड़ा बहुत सीख गए थे चलाने के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं धोबी, तो धोबी बॉर्डर पे है और थोड़ा टायर उड़ देख लेते हैं। धोबी बॉर्डर पे देखिए यहाँ पे सारा गाड़ी जा रहा है और हम थोड़ा टायर भी देख लेते हैं, यहाँ पास भी करवा लिए हैं, धोबी बॉर्डर हम पार कर रहे हैं और टायर पे हम को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये साइड वाला गर्म है, कई साल धूप है ना, इसीलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। रात का 7:30 बज गया दोस्तों और अभी हम औरंगाबाद में हैं, मतलब औरंगाबाद ब्रिज पार करके खड़े किए हैं। चंदन गया है अपना जो गर्लफ्रेंड है उससे के पास, उसका मतलब उसका घर ही गया है, तो कुछ सामान लाना था उसके पास वहाँ से, उसी से शादी भी करने वाला है, तो लड़का भी गया है वो 1.5 घंटा पहले, और हमको बोला 1/2 घंटा में आ जाएंगे, उसका वेट कर रहे हैं और आ नहीं रहा है, और फ़ोन किए तो फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा है, तो लग रहा है हमको कि अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। और नहीं भेज रहे थे, वो जबरदस्ती गया है, भेज भी नहीं रहे थे कि मत जाओ, अभी उधर से लौट के आएंगे उसके बाद जाना, अभी चलो, क्योंकि हमारा गाड़ी बहुत लेट है, बहुत टाइम टूटा था, हम अहमदाबाद में लूडी वूडी में, तो पहले भी थोड़ा गाड़ी पर ध्यान रखो, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं तोड़ो, तो नहीं बस 1/2 घंटा में आ जाएंगे, तो 1.5 घंटा हो गया तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो देख लेते हैं 1/2 घंटा 1 घंटा और, अगर रास्ता ठीक है फ़ोन उठाता है ठीक है, नहीं तो फिर हमको अकेले यहाँ से निकलना पड़ेगा। दोस्तों वेट ही कर रहे थे चंदन का, तब तक इधर उड़ते उस साइड देखें तो एक तो छोटा सा होटल है, वहाँ पे नाश्ता वास्ता मिलता है, वहाँ से देखिए ब्रेड ले आए हैं नाश्ता में, ब्रेड नहीं आलू चॉप है, एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा है, भूख भी लगे थे एकदम, तो ये भी नाश्ता करते हैं, गरम है एकदम फिर मस्त। रात का 11 बज गया दोस्तों और चंदन 10:30 बजे आया था, फिर सो गया है, मतलब औरंगाबाद से भी डिग्री पहुंचे हैं, तो डेहरी में अभी पहुंचे हैं तो 11:10 हो चुका है, तो अभी यहाँ डेहरी पहुंचे तो बहुत खतरनाक वाला जाम मिल गया, इतना खतरनाक वाला जाम मिल गया, 10 मिनट से जाम है, कितना लंबा जाम है पता नहीं, ये देखिए जाम लग रहा है, कितने में लग रहा है कि बहुत लंबा जाम है, बहुत ही बहुत ज़्यादा लंबा जाम, कितना वेट करना पड़ेगा ये जाम में थे ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन देखते हैं कितना देर लग रहा है, अगर जल्दी जल्दी जाते आगे जाते हैं तो फिर खाना वाना खाते हैं, फिर बॉर्डर पार करके उसके बाद चंदन को दे देंगे, यूपी में प्रवेश करके फिर डीजल उजल लेके, तो अभी धीरे धीरे गाड़ी भी बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ाते हैं गाड़ी बढ़ने रहा, उस साइड वाला गाड़ी भी बढ़ रहा है। 2:30 बज गया दोस्तों और फाइनली अभी हम ढाबा में गाड़ी रोके हैं, पीछे एक दो ढाबा में जगह नहीं था, जहाँ बराबर खाना खाते थे वहाँ जगह नहीं था गाड़ी लगाने के लिए, तो यहाँ पे भी जगह मिला है तो लगाए हैं, और काफ़ी टाइम हो गया और हम बिहार बॉर्डर जो है वो पार कर गए हैं, तो यहाँ से नौबतपुर लगभग 5-10 किलोमीटर बचा होगा,
तो देखिए सामने ढाबा है, ढाबा खुला हुआ था तो अभी यहीं जाते हैं, कुछ खाना में खा लेते हैं। ढाबा आए तो ढाबा भी बंद था अभी, मतलब सब सो गया था, बर्तन सब है, तो अभी आगे निकलते, अगर ढाबा मिलता ठीक है, नहीं तो कुछ कुछ खाने वाला देखते हैं आगे जाके। रात का 3 बज गया दोस्तों और अभी हम नौबतपुर पहुंच गए, मतलब यूपी में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए भाजपा हमने अभी डीजल ले ली है तो यहाँ पे फूल लेकर आए, अभी कहा कि एडवांस पूरा हुआ नहीं है तो अभी यहाँ डीजल डालने की जो रात भर गाड़ी चल सके। तो बगल में एक ठो घूमती है, देखते हैं कुछ मिल जाता है खाने के लिए ठीक है, नहीं तो फिर अभी यहाँ से हम आराम करें। देखिए हमको घूमती मिल गया है, यहीं पे कुछ ले लेते हैं चिप्स खाने के लिए। आज रात देखिए क्या खाना पड़ रहा है, उसे खाकर हम पागल हैं दोस्तों। हमारा जो भी हुआ बिस्किट से नाश्ता हो गया, तो अभी जा रहे हैं सोने के लिए, काफ़ी टाइम भी हो गया और इस ब्लॉग को हमें यहाँ पेंट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी अगला ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिल जाएगा पूरा यूपी का जर्नी। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहाँ पेंट करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों और जय भारत।